महानगर के थाना मंझौला अंतर्गत बुद्धविहार निवासी एक पीड़ित महिला ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने के खिलाफ एसएसपी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया। पीड़ित महिला गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अपने पुत्र के साथ धरने पर बैठी हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर थाना मंझौला क्षेत्र के रहने वाले वरुण गुप्ता नामक व्यक्ति ने जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट थाना मंझौला में दर्ज करा दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। मुकदमा वापस न लेने पर कथित रूप से धमकी दी जा रही है। आइए सुनते हैं महिला ने क्या कहा। ये है कि मुझे घरेलू जरूरत के लिए पैसे की जरूरत थी, वरुण गुप्ता नाम है जिससे मैं पैसे ले रही थी। उसने चार चुलीसी करके मुझे मझोली चौराहे से लेकर वो मिलन विहार ले गया। मिलन विहार ले जाकर उसने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद फिर मुझे जान माल से धमकी दिया। चाकू निकाल के धमकी देता है कि तू किसी से कहे कि तेरे बच्चों की जान से मार दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। तो इसलिए मैं आज कई मझौला थाने पे कंप्लेन भी कराने के लिए 11 तारीख को, मगर वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी FIR भी 12 तारीख मिली। FIR दर्ज हो गई है? हाँ जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा 164 का बयान भी हो गया। जांच भी सही ढंग से नहीं कर रही है। पुलिस मेरा नंबर ब्लैंक लिस्ट पर डाल दी है। वरुण गुप्ता को पैसे खा लिया है। मैं किसके आगे रहूँ, मैं किससे कहूँ? क्या पुलिस प्रशासन इतनी भ्रष्ट हो गई है कि गरीबों को सुनवाई नहीं होगी? आज इसलिए मैं धरने पे बैठी हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है, वरुण गुप्ता की गिरफ्तारी, बस। और कोई मांग नहीं है मेरी।